अगर आप एज 18 अबव है तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम जिस मूवी को कवर करने वाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें बड़े ही जबरदस्त सीन है, तो एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग सैंडी नाम की एक औरत को देखते हैं जिसके कि दो बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अपने बच्चों के फोन में ही एक वीडियो देख रही होती है, जहाँ पर उसे एक वीडियो मिलती है उसके पति के अफेयर की। उसका पति का एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी खबर सुनने के बाद जो सैंडी है वो अपने पति से डाइवोर्स ले लेती है और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क सिटी में आ जाती है। न्यूयॉर्क आने के बाद सैंडी एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है ताकि वो अपनी लाइफ को सेटल कर सके और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सके। वो अपनी जॉब को सिक्योर कर लेती है एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब लेकर। अब इसके बाद हम देखते हैं सैंडी एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एडम से होती है। वो एडम से कुछ अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, कुछ अपार्टमेंट खरीदने के लिए ताकि वो वहाँ पर रह सके। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जो कि एक डिफेंस एकेडमी में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात दोस्तों फिर से एडम से होती है, जो कि पैसे कमाने के लिए कुछ काम कर रहा था, जो काम था लोगों से मार खाना। जी हाँ, एडम जो था वो एक डिफेंस एकेडमी में काम करता था और लोगों की मार खाता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट टर्न होती है वो यहाँ पर सैंडी की होती है और ऑनर सैंडी को बुलाती हैं एडम को पिटाई करने के लिए। पहले तो सैंडी एडम से कुछ कहती नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे उसे अपने पति की बातें याद आती हैं तो सैंडी गाली देने लगती है बहुत बुरी बुरी और एडम को बुरी तरह से पेलने लगती है। अब इसके बाद फिर से हम देखते हैं कि सैंडी को मुलाकात फिर से एडम से होती है और वो एडम से माफ़ी मांगती है। यहाँ पर सैंडी एडम से कहती है कि मैं बेबी सिटर की तलाश में हूँ जो मेरे बच्चों की बेबी सिटिंग कर सके, तो एडम उस काम के लिए हाँ कर देता है। एडम यहाँ देखता है कि सैंडी के जो बच्चे हैं वो कुछ अजीब हैं, तो सैंडी अपने बच्चों को एडम के हवाले करके एक आदमी के साथ जो कि बहुत ज़्यादा चूतिया था उसके साथ डेट में निकल जाती है। यहाँ हमें पता पड़ता है वो आदमी बहुत ही ज़्यादा चूतिया था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो सैंडी के बच्चे हैं वो एडम के साथ घुल मिल जाते हैं। यहाँ से फिर से हमें सैंडी और उस आदमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी सैंडी के साथ कुछ अजीब हरकतें कर रहा था और सैंडी उसे छोड़ के वहाँ से आ जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, हमें पता पड़ता है कि सैंडी की जो जॉब है वो और ज़्यादा सिक्योर हो गई है और उसे एक प्रमोशन मिल गई है। तो यहाँ पर सैंडी एडम से कहती है कि क्या तुम परमानेंट बेबी सिटर बनोगे मेरे बच्चे के, तो एडम भी हाँ कर देता है। अब एक दिन सैंडी के बच्चे एडम के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी माँ मर गई है, तो एडम जैसे ही सैंडी के पास जाता है तो वो उसे जगा देता है और अपने बच्चों को बता देता है कि सैंडी मरी नहीं है, वो सिर्फ सो रही थी। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सैंडी की जो प्रमोशन लेटर था उसे एक और प्रमोशन मिल जाता है उसके अच्छे कामों को देखकर और उसे एक ऊंची पोस्ट दी जाती है। सैंडी अब यहाँ पर फिर से एडम के साथ घूमने आई होती है, उसे अपने प्रमोशन के बारे में बताती है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो एडम है उसके जो पेरेंट्स थे वो कुछ खुश नहीं थे। वो यहाँ पर चाहते थे एडम से कि तुमने इतनी बड़ी एक डिग्री ले रखी है तो तुम बेबी सिटिंग की जॉब नहीं करोगे। तो अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए भी जो एडम है वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और साथ ही साथ वो बेबी सिटिंग भी करता है। हम देखते हैं कि जो सैंडी है वो अपनी फ्रेंड्स को एडम के और उसके बारे में बताती है और एडम भी अपने फ्रेंड्स को सैंडी के बारे में बताता है और उन दोनों के जो फ्रेंड्स थे वो भी इन दोनों के रिलेशन से खुश थे। अब हम लोग देखते हैं कि जो सैंडी है वो एडम को टिकट्स देती है और कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ ये एक फाइटिंग मैच के टिकट्स हैं, वहाँ पर जाओ और एंजॉय करो। यहाँ पर एडम कह देता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो ये दोनों वहाँ पर फाइटिंग मैच देखने के लिए जाते हैं, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो एक सीईओ होता है कंपनी का, जिसमें एडम ने इंटरव्यू दिया था, पर वो उससे मना कर देता है। एडम उसे मना कर देता है तो सैंडी उसे कहते हैं कि तुमने मना क्यों करा, तो एडम कहता है कि पहली बार मुझे किसी काम को करने में खुशी मिल रही है और मैं बेबी सिटिंग ही करना चाहता हूँ तुम्हारे बच्चों की। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर रिंग में एक फाइटर जो था जो लड़ रहा था वो यहाँ पर किसी तरह से गिर जाता है एडम के ऊपर, जिससे कि एडम को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तो सैंडी उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है और उसकी दवाई पट्टी करती है जिससे कि एडम को कुछ राहत मिलती है। पर गाइस तभी वहाँ पर जो एक्स हस्बैंड था सैंडी का वो आ जाता है और हम देखते हैं कि जो एडम है सैंडी के बच्चों को उनके कमरे में लेकर जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में छोटी मोटी झड़प चल रही थी और ये दोनों आपस में मुँहवाद कर रहे थे, लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर जो एडम है वो आ जाता है और वो सैंडी को कहता है कि उन बातों को याद करो जो तुमने डिफेंस अकेडमी में मुझसे कही थी। तो यहाँ पर सैंडी कह नहीं पाती, वो पहले तो डरती है, पर पीछे से एडम यहाँ पर उसके एक्स हस्बैंड के लिए गाली दे रहा होता है। पर तभी सैंडी को भी याद आ जाता है और वो भी उसे गाली देने लगती है और उसे बुरी तरह से उसको बेइज्जती करके अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद दोस्तों सीन है वो चेंज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सैंडी एडम से कहते हैं कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ, तो ये एडम ये बात अपने दोस्त को जाकर बताता है, पर उसका दोस्त था इस खुशखबरी को सुनकर नाराज हो जाता है और कहता है कि जिस दिन तुम लोग डेट पर जाओगे उस दिन मेरी एक परफॉर्मेंस है। तो ये बात सुनकर एडम भी कुछ परेशान होने लगता है, पर एडम और सैंडी एक साथ उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए जाते हैं जो कि एक बार में थी। पर एडम जैसे ही सैंडी के कुछ छोड़ के उसके पास आता है तो हम देखते हैं कि एडम की जो एक्स थी
वो उसके पास आते और कहते कि मैं फिर से तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तो एडम उसे इग्नोर करके फिर से सैंडी के पास चला जाता है और हम देखते हैं कि जो एडम है वो सैंडी के पास जाकर बहुत इन्जॉय करता है। अब हम देखते हैं ये लोग घर पे आ जाते हैं और गपा गप कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर सैंडी का बच्चा उन दोनों को गप करते हुए देख लेता है पर और अगले ही दिन एडम उन बच्चों को खिलाने ले जाता है। अब हम देखते हैं कि जो सैंडी थी वो अपने फ्रेंड्स को एडम के बारे में बता रही थी कि उन लोगों ने क्या करा था पिछली रात को और वो भी उसकी डिसीजन से खुश थी। अब हम एडम को देखते हैं, वो सैंडी के घर पे जाता है उसकी फैमिली से मिलने के लिए, पर जो एडम के जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ उनकी जो हरकतें थी वो सैंडी को पसंद नहीं आ रही थी। पर एडम सैंडी से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो मैं तो करता हूँ। अब हम देखते हैं सैंडी और एडम के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे और ये लोग एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनको मजाक उड़ा रहे होते हैं कि सैंडी तो इतनी बड़ी है और एडम इतना छोटा, तुम लोगों की रिलेशनशिप चल नहीं पाएगी। अब हम देखते हैं कि सैंडी अगले दिन ऑफिस में होती है, उसे कुछ अजीब लग रहा होता है जहाँ पर उसे पता पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये खबर एडम को बता दिया पर पहले तो एडम इस चीज़ से नाराज होता है, फिर एकदम से उसका मूड स्विंग होता है और वो खुश होने लगता है और वो चाहता है कि उसका बेबी इस दुनिया में आए। अब हम देखते हैं ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर इन्हें खबर मिलती है कि जो सैंडी है वो प्रेग्नेंट तो है पर वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि उसकी जो एज है वो बहुत बड़ी है। ये खबर सुन के दोनों परेशान हो जाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर आते हैं ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सैंडी एडम से कहती है कि अब हमारा जो रिलेशन है वो आगे नहीं चल सकता क्योंकि मैं 40 साल की हूँ और तुम यहाँ पर अभी 25 गई हो, हम दोनों की एज में 15 साल का गैप है। तो यहाँ पर ये कहकर सैंडी एडम से अलग हो जाती है। अब यहाँ पर एडम को देखते हैं जो कि अपनी जॉब को छोड़कर ट्रैवलिंग के लिए निकल जाता है अलग अलग जगहों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था और सैंडी भी मूव ऑन कर चुकी थी। उसकी जो प्रमोशन थी वो एक हेड रिपोर्टर के रूप में हो चुकी थी और उसकी जो प्रमोशन थी वो भी अब हो चुकी थी, वो अच्छा कमाने लगी थी। ये दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे। तभी हम देखते हैं कि जो एडम था वो अलग अलग देश में जाकर बच्चों को पढ़ाता था और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई भी लड़की उससे रिलेशनशिप में नहीं कहती तो वो उससे मना कर देता। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग सैंडी को भी देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत खुश थी और वो अपने बच्चों को एक बेस्ट जिंदगी दे रही थी। तब हम देखते हैं एक पार्टी हो रही होती है जहाँ पर सैंडी की मुलाकात एडम से फिर से होती है। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि जो एडम है वो अभी भी सिंगल है और सैंडी भी अभी अभी एक सिंगल मदर भी है। तो ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और यहाँ हमें पता पड़ता है कि एडम ने बांग्लादेश से एक बच्चे को अडॉप्ट भी कर लिया है। सैंडी यहाँ पर एडम के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।